बहुत ज़्यादा वक्त के साथ क्विक चेंजेस आ रही हैं दुनिया में, इंसानों में, रवैयों में, प्रोफेशंस में, एटीट्यूड में, माइंडसेट, एवरीथिंग इज चेंजिंग क्विकली. लगता है बहुत जल्दी जल्दी ना कोई किसी ने फिल्म चलाई है और वो बदलती जा रही है स्क्रीन से. एक शॉट आता है, दूसरा शॉट आता है, बेशक वो उनमें आपस में कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है, लेकिन शॉट्स चेंज होते जा रहे हैं. ओ माई गॉड, कितनी क्विक चेंजेस हो रही हैं. उसमें ये देखा गया कि लोगों ने जहाँ पर अपना प्रोफेशन चेंज किया वहाँ पर अपने आप को भी बदल लिया. हर एक ने इस दौरानिए में अपना प्रोफेशन जो है वो तो खैर रहा, कोई डॉक्टर है बेचारा तो यहाँ पे उसका नाम लगा रहा कि वो डॉक्टर है, लेकिन वो डॉक्टरी के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गया. उसने व्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए, उसने अपने ऑपरेशंस दिखाने शुरू कर दिए. वाह वाह हो गई. ओ मत पूछें कितने माशाल्लाह उसके मुख्तलिफ किस्म के लोगों के बहुत ज़्यादा लाइक्स हो गई. यूट्यूब ने दे दिया सिल्वर बटन, हाय हाय हो गई. सब ने अपने आप को दुनिया को दिखाना चाहा कि मैं क्या कर सकता हूँ. बुरी है, बड़ी अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें एक बड़ी प्यारी बात है. आपने नोट किया, गधा गधाई रहा, शेर शेर रहा, बंदर बंदर रहा, रैबिट चीता, वो वही रहे जो वो हैं. उन्होंने नहीं कहा कि किसी भी इंसान की तरह हमने बदलना है, क्योंकि उनको ये पता है कि मैं क्या हूँ. वो अपनी ही चीज़ में राजी हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो उनको बनाया, ये नहीं मैं कह रही कि तरक्की करना इंसान के लिए गलत है, लेकिन अल्लाह पाक से बनाए हुए जानवर वही रहे जो वो हैं. इस टॉपसी टर्वी में, इस क्विक चेंज में वो नहीं बदले, लेकिन इंसान बदलता चला गया और बदलता जा रहा है रोज रोज. यहाँ पे मैं बड़े अच्छा, मुझे एग्जांपल लगता है कि जब बचपन में होता था कि कोई डॉक्टर बन रहा है सफ़ेद कोट पहन के, वो टूटियाँ लटकाई हुई हैं, हर एक का दिल चेक कर रहा है, बड़ा मज़ा आता था कि मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा. कोई गाड़ियों में पेचकस लगा रहा है, मैं बड़ा होके इंजीनियर बनूंगा. मजाल है कोई बेचारा ये कहता मैं बड़ा होके स्पीकर बनूंगा या मैं बड़ा होके प्रिंसिपल बनूंगा, टीचर बनूंगा, कुछ भी नहीं. उनको तब भी पता था कि टीचर की हैसियत मठ रहेगी हमारे मुल्क में. जो चेंजेस आए सोसाइटी में, माहौल में, उन चेंजेस ने इंसान के दिमाग के ऊपर काफ़ी असर किया. वो इतना असर किया, जहाँ नेगेटिव किया वहाँ पॉजिटिव भी लिटिल बिट कर दिया, काली मिर्च और नमक के जैसा. उसमें लोगों ने अपने प्रोफेशंस को तब्दील करना ज़्यादा बेहतर समझा. जैसे अगर कोई डॉक्टर है तो उसने ये सोचा कि मैं देखता हूँ कि कैन आई बी मोटिवेशनल स्पीकर. उसने जब ये लाइन इख्तियार की और यूट्यूब पर चैनल बनाया तो उसको लगा कि एक वो बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकता है. तो वो डॉक्टर के अलावा मशहूर हो गया मोटिवेशनल स्पीकर. उसकी देखा देखी जो उसी गांव का एक कंपाउंडर था, उसने ये सोचा लो जी अगर बॉस है कर सकता है तो मैं क्यों नहीं. उसने भी जनाबे वाले यूट्यूब के ऊपर शुरू कर दिया. अब याद रखा जाए कि एक डॉक्टर में और एक कंपाउंडर में डेफिनेटली फ़र्क होगा, बेशक वो अपने गाँव का डॉक्टर वो भी कहलाएगा. तो उसने बनाना शुरू कर दिया और लगा दिया, कोई कंपाउंडर नहीं लाया, उसने भी अपना नाम डॉक्टर जी रख लिया. उसी तरीके से अगर कोई सब्जी वाला था तो उसने देखा कि ओ सब्जियां सारे मोबाइल दे उत्ते बेच रहे ने, तो मैं क्या ठेला लगा के फिरता रहता हूँ. उसने भी एक चैनल बनाया और सब्जियां बेचनी शुरू करी, करेले, भिंडी, तोरी, वो भी उसने बेचनी शुरू कर दी. उसी तरीके से आपने ये भी देखा होगा कि जैसे टीचर को ये लगा कि ओहो टीचिंग में तो काम बड़ा कम है, लेट मी बिकम अ प्रोफेशनल शेफ. अब एक प्रोफेशनल खाना पकाने में और घरेलू खाना पकाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. जो हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं उसका जायका आह होता है. मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही कि घर का खाना मज़ेदार नहीं होता, लेकिन जनाब वो कुकिंग शुरू कर दी, धड़ाधड़ मिर्चें डालें, कलेजी डालें, पता नहीं इसमें क्या डालें, अपना दिमाग भी घोल के डाल दें और ये लें मैंने टेबल पर लगा दिया खाना. तो वो भी एक्ट्रेसेस भी बन गई बेचारियाँ और उन्होंने खाने पकाने भी शुरू कर दिए और खाने पकाने के साथ साथ लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर दिया. आज मैं आपको बताऊंगी कि ज़िंदगी अच्छे तरीके से कैसे गुजारते हैं. लो जी आंटी अच्छी भली घर में बैठी खाना बने बच्चों को खिला रही थी और ज़िंदगियां सवार रही थी, वो उठ के आ गई यूट्यूब के ऊपर और उसने खाने बनाने, ओए होए हो गई आंटी मशहूर, पैसे ही पैसे. अब उनकी देखा देखी बेचारे और लोगों ने भी ये काम शुरू कर दिया और रिजल्ट क्या निकला, ज़ीरो. यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि जैसे एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी के कुछ साल मेहनत में गुजारे, हर मुश्किल से गुजरा और अपने अंदर एक चीज़ को रखा, वो था उसकी मोटिवेशन और उसको पॉजिटिव रहना, पुर उम्मीद रहना. वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजारने के बाद एक बड़े मकाम पर पहुँचा. उसको देखकर हम लेसन ले सकते हैं,
सबक सीख सकते हैं कि उसने पहले पढ़ा फिर इम्प्लीमेंट किया, पहले उसने ट्रेनिंग मिली और फिर वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाके शदीद मेहनत के बाद उस मकाम पर पहुंचा जहां पर वो आज खड़ा है। अब हमारे साथ ये होता है कि हमारे लोग जो हैं उसको देखकर बजाय इसके कि उससे खुश हों और उसकी स्टोरी समझने के बाद उस लाइन पर चलें, वो कहते हैं सुबह मैंने यही काम करना है जो इसने किया। वो कुछ भी कर रहा है, यहाँ पर आपने ये देखने में बहुत ज़्यादा मेरे आ रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने कुकिंग शोज़ करने शुरू कर दिए। अब वो बेचारे जो कि शेफ्स रियल हैं और डिग्रीज लेकर आए हुए और ज़बरदस्त बनाते हैं, लो जी इन्होंने भी शुरू कर दिया। अब टर्किश को या इस्तांबुल के ज़बरदस्त लोगों को देखकर यहाँ पर भी जी वो कटोरी में चावल डाल के डुश करके निकालते हैं और चावल निकल आए। नाउ कम ऑन, मान लिया आप ये काम करें, लेकिन पहले डिग्री, पहले पढ़ाई यानी कि इल्म, उसके बाद ट्रेनिंग, उसके बाद इम्प्लीमेंट करके वक्त के साथ आगे जाएंगे तो आप बढ़ सकेंगे, छलांग लगाएंगे तो बहुत बुरी तरह आप गिरेंगे, चोट लग जाएगी आपको। डोंट डू दैट। मुझे एग्जैक्टली वो काम करना चाहिए जो मेरा काम है, बजाय इसके कि मैं ये देखूं कि मेरा हमसाया क्या कर रहा है या कौन सा बंदा कितने पीक पे चला गया है तो मैं उसको फॉलो करूं। मेरा अगर वो काम नहीं है तो मुझे उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना ही देखना चाहिए कि मेरे में अल्लाह पाक ने क्या एबिलिटी दी है, मैं उस एबिलिटी को पॉलिश करूं, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाऊं और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करूं। और फिर वही वाली बात याद रखूं कि मेरे अल्लाह पाक के अलावा इसको कोई रंग लगा नहीं सकता और उनके इज़्ज़न के बिना मैं कामयाब नहीं हो सकती। मैंने अपना काम करना है बिला वजह आंखें बंद करके, मैंने नहीं देखना कि दूसरे क्या कर रहे हैं। अपनी आप में रहिए, यानी कि वट एवर यू आर रिमेन दैट, नो योर सेल्फ, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर्स आर डूइंग, फॉलो योर हार्ट एंड द डेस्टिनेशन विल बी विद यू। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप को डिस्कवर नहीं कर सकते, यानी कि वो अपने आप को जानते नहीं हैं, उनको पता ही नहीं कैपेबिलिटी क्या होती है, हालात ने या वाकयात ने उनको काफ़ी पीछे छोड़ दिया होता है, वो समझते हैं बस फेलियर हो गया ना तो बस कहानी ख़त्म, अब तो मुझे ज़िंदा ऐसे ही रहना है। उनके लिए एक मैसेज है मेरी तरफ से कि अगर आपको इस तरह का कोई मसला है तो मुझसे रابطہ कीजिए, सादिया वाइन से मिलिए, वो आपको बताएगी कि ज़िंदगी कैसे जीनी है और अपने इरादों में सख्ती कैसे लेकर आनी है और आपने अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचना है। आइए मेरे पास, मैं आपको सिखाऊंगी और समझाऊंगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।